इसको वॉक पे कोई नहीं लेके गया, इसलिए इसने यहाँ पे पोटी की हुई है। नहीं लेके जाते हैं वॉक पे, तो सुबह ले शाम दोनों टाइम लेके जाते हैं। ठीक है मैक्स, सनी को तो मैक्स जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं। आज हम लोग अपने किटन्स को बाथ देने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौसम आजकल थोड़ा ठंडा है तो धूप का भी मसला होता है, और इतने छोटे बच्चे को नहलाना हम लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 48-47 डेज के हो चुके हैं। किटन हमारे बहुत गंदे हो चुके थे, हम पिछले काफ़ी दिनों से बिजी थे, लेकिन आज हमने जो है वो प्लान बना लिया इनको नहलाने का, क्योंकि लास्ट वीक बल्कि नहीं 7-8 डेज हो गए, हमने इनको 8-7 दिन पहले हमने बात दिया था, लेकिन किटन बहुत गंदे हो चुके हैं, क्योंकि पोट में जाते हैं, लिटर पास करते हैं, तो पीछे इनको जो है ना वो पोटी वगैरह लग जाती है, तो ये सारा कुछ जो है काम करने पर मुश्किल होता है। 4 बच्चों को नहलाना जो कि बहुत टफ काम है, और नाखून भी लगते हैं, वाइट भी होती है हाथों पे, क्योंकि बिल्लियां जो होती हैं वो पानी से बहुत ज़्यादा डरती हैं। अब जो है हम लोगों ने आज इनको नहलाना है, एक एक करके नहलाएंगे, तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटे का काम है एक एक किटन को नहलाना, फिर उसको ड्राई करना, ड्राई करने के बाद उसको फिर जो है केज के अंदर छोड़ना, ये सारा कुछ काम जो है हम स्टेप बाई स्टेप करेंगे। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करनी, और इससे पहले हम आपको अपनी मुर्गियाँ और अपने किटन को बाहर निकाल के, उनके जब बाहर निकालते हैं तो किस तरह खुश रहते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो अभी ना हमने इनको वैसे बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि आज इनको बात देना था, सबको नहलाना था, सारे गंदे हुए में। वो देखें, वो हिमालयन किटन वो है, और दूसरे वाइट कहाँ पे हैं उनको देखते हैं, वो सोफे के नीचे, अभी बुलाऊंगा, देखना आ जाएंगे सारे। ये सारे जो है इसमें मस्ती कर रहे हैं, ये देखें मुर्गियाँ भी, वो देखें वो वाइट वाला एक वो है, और एक फिर इधर सोफे के नीचे चला गया है। जानू के पास है, जानू एक जानू ने उठाया हुआ था, जानू ये अंदर क्या करने चला गया है, एक वाइट ये है, एक वाइट ये है ब्लू वाइट वाला, एक जानू ने उठाया हुआ है वहाँ पे, और दूसरा फिर वो मुझे लगता है सोफे के नीचे है, वो आ गया, ये देखें। इनको भी हमने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि हमने ना इनको बाहर देना है, नहलाना है, तो इस वजह से हमने कहा चले थोड़ी देर के लिए ना इनको बाहर निकाले थे, इनकी मस्तियाँ चेक करें। आप वो देखो ऊपर चढ़ गया, जानू ऊपर चढ़ गया है, मुर्गियों के केज के ऊपर चला गया है, मुर्गियाँ भी हमारी माशाल्लाह से, ये क्या कर रहे हो। अच्छा, तो ये भी माशाल्लाह जो है काफ़ी हेल्दी हो गई है। हाँ यार, वो पता है मुझे, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बड़े प्यारे लग रहे हैं। वो एक और वाइट कहाँ पे है, एक और वाइट वो दरवाजे के सामने, अभी दरवाजे के सामने बैठा है। हाँ, एक वाइट उधर बैठा है, ये वाइट मुर्गी भी बहुत प्यारी यार। जानू इन मुर्गियों को नहला दे कभी, वो देखिए ये देखिए, जैसे बुलाते हैं ना भाग के आ जाते हैं। हाँ जी, अभी ना इनके लिए हमने गर्म पानी करना है, उसके बाद जो है ना इनको फिर नहलाते हैं, ये फिर साफ हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आज जो है जानू से, जानू आपने सबको बात देना है, पता है सबको आपने नहलाना है, मुश्किल है, पिज़्ज़ा खिलाऊंगा आपको मैं, नहीं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा यार, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आप नहलाओ इनको आज। कहाँ पे चले गए, फिर भाग गए नीचे, वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे, पीठे लगी हुई है इनकी, हाँ वो सोफे के नीचे हैं। इनको भी दाना डाला है, तो ये दाना अभी खाएंगे, उसके बाद फिर जो है 2-3 घंटे के बाहर रहते हैं, उसके बाद फिर इनको हम लोग अंदर जो है बंद कर। वो क्यों छुप के बैठे हैं, वो देखें वो क्यों छुप के, जानू खेल रहे हैं आपस में, देखे मस्ती चक्की है वो ये तीसरा भी आ गया है, एक जो है ना वो अंदर चला जाता है,
वो आपके नीचे है, वो अच्छा यहाँ पे नीचे है, ये देखें जी ये भी आ गया है, एक वाइट वो है और दो वो सामने खेल रहे हैं जानू के पास ही। तो चले जानू मैं जाता हूँ पानी चेक करता हूँ पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ, तो फिर जो है ना इनको नहलाते हैं। सही है गाइस, हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा इन सबको नहला, क्योंकि सबको हमने बाद देना है, उसके बाद फिर हमने इनको ड्रायर भी करना होता है। स्पीटें चेक किए जैन इनकी, ओपन केज से बाहर निकाला है अभी, इनका केज भी साफ किया ये वाला, सही है केज से बाहर निकाला है, तो उस वजह से ना ये बस थोड़ा खेलने के मूड में आ गए। बाहर जैसे ही निकलते हैं ना ये थोड़ा फिर छलांगे छुलोंगे मारते हैं, तो अब जाते हैं पानी चेक करते हैं। बाहर लेके जगह जाओगे, बाहर ना लेके जाना कोई, बाहर वाला कुछ स्टे डॉग ना उठा के ले जाए, चल जाएगा तो फिर ख्याल से ले जाए। चल मैं पानी चेक करके आता हूँ फिर इनको नहलाते हैं, ठीक है ओके। ये शैम्पू हम ना ये वाला यूज करते हैं, ये स्किन के लिए ठीक होता है, ये स्किन के लिए बहुत ठीक होता है और किसी तरह का मसला नहीं होता पिटन को भी और डॉग को भी, तो कोशिश करें ये वाली अगर आपको प्रोडक्ट मिलती है तो ये अच्छी है बाथिंग के लिए, मेडिकेटेड भी है सिंपल भी है, 3-in-1 होती है ये, तो आपको पता इनको मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, टंग बहुत करते हैं, नाखून लगते हैं हाथ पे। अच्छा अब हमने इनको बात दे दी है, इनको ड्राइव भी कर लिया है, अब ये थोड़े से एक्टिव हुए हैं, पहले तो ये बिल्कुल जो है वो छुपके बैठे थे लेकिन अब कुछ एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है ठंड है, बच्चे बहुत छोटे हैं तो इनको फिर ठंड जो है लगती है, तो आप देख सकते हैं किस तरह मछले से साफ हो गए हैं, बिल्कुल नीट हो गए हैं और प्यारे भी लग रहे हैं, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी से भी हो गए हैं। तो अभी भी एक किटन इसमें जो है ना वो पीछे आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा अभी भी छुपके बैठे हैं, लाइक कि उसको ठंड लगी हुई है, बाकी देख सकते हैं आप मछले से बिल्कुल साफ हो गए हैं और अच्छे तरीके से हमने इनको ड्रायर कराया, इसको देखें सारे माशाल्लाह से प्यारे हो गए और मौसम थोड़ा ठंडा था, अभी हमने जो है इस केज के अंदर लाइट ऑन की हुई है ताकि जो है इनको ठंड ज़्यादा ना लगे, सो अभी इनको कुछ देर हम जो है इसके अंदर बंद रहने देंगे, उसके बाद हम इनको खाना भी देंगे पानी भी देंगे, साथ इनका केज साफ करके फिर मजीद जो है इनको इसी के अंदर रहने देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़, ओके बेबी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा।